हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सलीम अहमद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं मेमोरेबल वोकैबुलरी में से कुछ इम्पॉर्टेंट कॉमन प्लेस कंपैरिजंस के वर्ड्स, शब्द या फिर कह लीजिए अल्फाज, या हम कह सकते हैं तुलनात्मक शब्द सीखने वाले हैं। अगर हम इस तरह के शब्दों को अपनी ज़बान में, अपनी बातचीत के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बातचीत काफ़ी रसीली और काफ़ी खूबसूरत हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ आप लोगों में से जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस लेकर आता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं हिंदी में या उर्दू में, ऐसा कड़वा जैसा पित्त, जैसा पित्त ऐसा कड़वा, या ऐसा कड़वा जैसा पित्त। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे एज बीटर एज गर्ल, एज बीटर एज गर्ल। इंग्लिश में कहेंगे एज बीटर बीटर एज गर्ल, एज बीटर एज गर्ल, ऐसा कड़वा जैसा पित्त। नेक्स्ट, ऐसा काला जैसे कोयला, जैसे कोयला ऐसा काला, ऐसा काला जैसे कोयला। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? एज ब्लैक एज कोल, एज ब्लैक एज कोल, एज ब्लैक एज कोल, एज ब्लैक एज कोल। नेक्स्ट, ऐसा काला जैसे कौवा, जैसे कौवा ऐसा काला, ऐसा काला जैसे कौवा। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? एज ब्लैक एज अ क्रो, एज ब्लैक एज अ क्रो, एज ब्लैक एज अ क्रो, एज ब्लैक एज अ क्रो। नेक्स्ट, ऐसा अंधा जैसा चमगादड़, ऐसा अंधा जैसा चमगादड़, या फिर जैसा चमगादड़ ऐसा अंधा। इसको कैसे कहेंगे? इसको कहेंगे एज ब्लाइंड एज अ बैट, एज ब्लाइंड एज अ बैट, एज ब्लाइंड एज अ बैट, एज ब्लाइंड एज अ बैट। नेक्स्ट, ऐसा अंधा जैसा सचुंदर, ऐसा अंधा जैसा सचुंदर, ऐसा अंधा जैसा सचुंदर, या इस तरह कहेंगे जैसा छचुंदर ऐसा अंधा। इसको कहेंगे इंग्लिश में एज ब्लाइंड एज अ मोल, एज ब्लाइंड एज अ मोल, एज ब्लाइंड एज अ मोल, एज ब्लाइंड एज अ मोल। नेक्स्ट, ऐसा मस्त जैसे मधुमक्खी, ऐसा मस्त जैसे मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी ऐसा मस्त। इसको कहेंगे एज ब्लिथ एज अ बी, एज ब्लिथ एज अ बी, एज ब्लिथ एज अ बी, एज ब्लिथ एज अ बी। नेक्स्ट, ऐसा मस्त जैसे तितली, जैसे तितली ऐसा मस्त, ऐसा मस्त जैसे तितली। इसको कहेंगे एज ब्लिथ एज अ बटरफ्लाई, एज ब्लिथ एज अ बटरफ्लाई, एज ब्लिथ एज अ बटरफ्लाई। नेक्स्ट, ऐसा दृढ़ निश्चय जैसे पीतल का रंग, ऐसा दृढ़ निश्चय जैसे पीतल का रंग, जैसे पीतल का रंग ऐसा दृढ़ निश्चय। इसको कहेंगे एज बोल्ड एज ब्रास, एज बोल्ड एज ब्रास, एज बोल्ड एज ब्रास। नेक्स्ट,
ऐसा दिलेर जैसा शेर, ऐसा दिलेर जैसा शेर, जैसा शेर ऐसा दिलेर, या फिर कह लीजिए शेर जैसा दिलेर, इसको कहेंगे एज बोल्ड एज अ लायन, एज बोल्ड एज अ लायन, एज बोल्ड एज अ लायन, एज बोल्ड एज अ लायन। नेक्स्ट, ऐसा साहसी जैसा शेर, ऐसा साहसी जैसा शेर, या फिर जैसा शेर ऐसा साहसी, या फिर शेर जैसा साहसी, इसको कहेंगे एज ब्रेव एज अ लायन, एज ब्रेव एज अ लायन, एज ब्रेव एज अ लायन। नेक्स्ट, ऐसा उजला जैसे दिन, ऐसा उजला जैसे दिन, जैसे दिन ऐसा उजला, दिन जैसा उजला, इसको कहेंगे इंग्लिश में एज ब्राइट एज डे, एज ब्राइट एज डे, एज ब्राइट एज डे, एज ब्राइट एज डे। नेक्स्ट, इतना चमकदार जितनी चांदी, इतना चमकदार जितनी चांदी, जितनी चांदी इतना चमकदार, चांदी जैसा चमकदार, इसको कहेंगे इंग्लिश में एज ब्राइट एज सिल्वर, एज ब्राइट एज सिल्वर, एज ब्राइट एज सिल्वर, एज ब्राइट एज सिल्वर। नेक्स्ट, इतना चमकीला जितना प्रकाश, इतना चमकीला जितना प्रकाश, इसको कहेंगे एज ब्राइट एज लाइट, एज ब्राइट एज लाइट, एज ब्राइट एज लाइट। नेक्स्ट, तितली की तरह फुर्तीला, तितली की तरह फुर्तीला, इसको कहेंगे इंग्लिश में एज ब्रिस्क एज अ बटरफ्लाई, एज ब्रिस्क एज अ बटरफ्लाई, एज ब्रिस्क एज अ बटरफ्लाई, एज ब्रिक्स एज अ बटरफ्लाई, एज ब्रिक्स एज अ बटरफ्लाई। नेक्स्ट, कांच की तरह भंगुर, कांच की तरह भंगुर, कांच की तरह भंगुर, मतलब टूट जाने वाली, कांच की तरह भंगुर, भंगुर का मतलब टूट जाने वाली। एज ब्रिटल एज ग्लास, एज ब्रिटल एज ग्लास, कांच की तरह भंगुर, एज ब्रिटल एज ग्लास, एज ब्रिटल एज ग्लास, एज ब्रिटल एज ग्लास। नेक्स्ट, सरस फल की भांति भूरा, सरस फल की भांति भूरा, सरस फल की भांति भूरा, इसको कैसे कहेंगे एज बॉर्न एज अ बेरी, 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 एज बॉर्न एज अ बेरी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।